जिस तरीके से हमला कर रहा है उसका ताबड़तोड़ हमला हमारी तरफ से जारी है। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन हार नहीं मानेगा, ये यूक्रेन के राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया है। रूसी सैनिकों को करारा जवाब हमारी तरफ से दिया जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति की तरफ से ये बड़ा दावा कि हम हार नहीं मानेंगे। रूस के कई विमान, कई टैंक इस वक्त हमने तबाह कर दिए हैं। ये बड़े नुकसान का दावा करते हुए ज़ेलेंस्की, इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें, यूक्रेन हार नहीं मानेगा। यूक्रेन और रूस के बीच में जिस तरीके से महायुद्ध हो रहा है उसके बाद दोनों ही देश के राष्ट्रपति की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। और ऐसे में अब यूक्रेन की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है कि हमने बड़ा नुकसान रूस की सेना को पहुंचाया है, कई टैंक हमने तबाह कर दिए हैं। रूसी सैनिकों को करारा जवाब हमारी तरफ से दिया जा रहा है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके की तस्वीर स्थिति वहां पर बनी हुई है। आप देखिए किस तरीके से रेसिडेंशियल एरियाज को टारगेट करते हुए रूस की तरफ से कई मिसाइल दागी गई है और इसके जवाब में यूक्रेन भी लगातार अटैक करता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में इमारत पर जो मिसाइल अटैक हुआ है उससे कितना नुकसान हुआ है, ये बिल्डिंग जो कि रिहायशी बिल्डिंग मानी जा रही है वो पूरी तरीके से तबाह होती हुई नजर आ रही है। और चारों तरफ यूक्रेन में इसी तरीके से धुएं का गुब्बार बनता हुआ नजर आ रहा है जो कि आसमान को छूता हुआ। और इन सब तस्वीरों के बीच, इन सब अपडेट्स के बीच, ये बड़ा दावा यूक्रेन की तरफ से कि हम घुटने टेकने को तैयार नहीं हैं, हम हार नहीं मानेंगे, जिस तरीके से युद्ध जारी है उसी में हम अपने लोगों के साथ आगे बढ़ते चलेंगे। और ये तबाही का ये नया वीडियो आपको दिखा रहे हैं, इसी तरीके से ये मंजर चारों ओर नजर आ रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव में एक रिहायशी इमारत में हुए हमले की एक और तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। इस तस्वीर में एक मिसाइल एक रिहायशी इमारत से टकराती हुई दिखाई दे रही है। ये देखिए मिसाइल किस तरीके से आसमान को चीरती हुई सामने आई और इस इमारत से जा टकराई और ये पूरी की पूरी इमारत जो कि कुछ ही सेकंड्स में तबाह हो गई, पूरी की पूरी इमारत नेस्तनाबूद हो गई। और इसी तरीके से एक के बाद एक रिहायशी इलाकों में, यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में रूस की तरफ से अटैक किए जा रहे हैं। ये मिसाइल अटैक जो कि आज तीसरे दिन भी लगातार जारी है, अब तक 198 लोगों की मौत हो चुकी है। इन्हीं अटैक में 198 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और ऐसे में हजारों लोग हैं जो कि यूक्रेन को छोड़ते हुए सीमावर्ती देश में जाकर शरण लेने को मजबूर हो चुके हैं। और ये दो तस्वीरें आप जरा देखिए किस तरीके से एक के बाद एक मिसाइल हमला अलग अलग इमारतों को टारगेट करते हुए किया जा रहा है। कैमरा वन से ये पहली तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देखिए रिहायशी इलाके जहां पर भारी तादाद में लोग इस वक्त मौजूद हैं, रह रहे हैं अपने घरों में। हालांकि बड़ी संख्या में लोगों को शिफ्ट भी किया जा चुका है सुरक्षित स्थानों में, बंकरों में, लेकिन इसके बावजूद लोगों को टारगेट करते हुए, लोगों की जिंदगी पर अटैक करते हुए रूस लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और बड़े बड़े दावे जो कि यूक्रेन इस वक्त कर रहा है कि देखिए हम हार नहीं मान रहे हैं, महायुद्ध जो चल रहा है उसमें हमारी जीत होगी, ये यूक्रेन की तरफ से नया